हम लोग को यहां से क्वेश्चंस करने हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लसा कितना है 54 है 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योग ज्ञात करें। जरा निकाल के दिखाओगे कितना आएगा? आइए, दो संख्याओं का अनुपात कितना 2:3, यानी कि 2:3 है, इसका मतलब एक नंबर क्या है 2x और दूसरा कितना है 3x, और उनका लसा कितना है, एलसीएम कितना दे दिया है 54। तो संख्याओं का योग पूछा है ना, आपको बताए थे ना, पहले हम यहाँ से एचसीएफ निकाल दें, ठीक है। अब देखो 2:3 दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लसा कितना होगा, इनका लसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6x, कितना होगा तो 3 × 6 और 1 से कितना होगा 6x, ये कितना के बराबर है 54 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काट देंगे 9 × 6 = 54 कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। ये 6x कैसे एलसीएम आया समझ में आता है ना, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको गुना कर देते हैं एलसीएम। x बराबर 9 आ गया। अब यहां से पहली संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगा 2 × 9 कितना हो गया 18, और दूसरी संख्या हो जाएगा 3 × 9 कितना हो गया 27, और दोनों का योग पूछा है, तो 18 + 27 कितना आएगा 45, कितना आएगा 45, सी नंबर, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल आपका है, दो संख्याओं का अनुपात, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको आप लोग। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उसका लसा कितना है 120 है, कितना है 120, तो वे संख्याएं कौन सी होगी, यहां आपको संख्या बताना है, जरा बताइए। तो इनका 4:5 है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। जिसे इनका क्या 4x, दूसरा क्या हो गया 5x, इनका लसा कितना आया, इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आया 4×5 = 20x, कितना आ गया 20x, और कितना के बराबर है 120 के बराबर है, कितना बराबर है 120 के बराबर है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 6, x बराबर हो गया आपका 6। उस हिसाब से 4x का मान कितना हो जाएगा 4×6 कितना होगा 24, और कितना होगा 5×6 कितना हो जाएगा 30, तो 24 हो गया और एक 30 हो गया, कौन सा आंसर हो गया सी, कौन सा हो गया सी। अगला सवाल, अगला सवाल ये आपका है, दो संख्याओं का मसा और लसा 7 और 140 है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, संख्याओं का योग ज्ञात करें। निकाल दे, कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग ज्ञात करें, इस टाइप के सवाल हमने आपको कराया था। कितना आएगा आपका एलसीएम, कितना दिया है 140, और एचसीएफ कितना दिया इन्होंने 7, कितना दिया है 7, बोला कि संख्याएं किसके किसके बीच में, 20 और 45 के बीच में, तो संख्याओं का क्या ज्ञात करें,
योग ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, योग निकालना है, तब क्या करेंगे, सी आएगा 63। क्या करेंगे, अब पहले हम क्या निकाल देंगे कि HCF कितना दिया 7, तो दो नंबर कितना हो जाएगा 7x और दूसरा 7y होगा। एक फॉर्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM कितना है 140, HCF कितना है 7, पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 7 से 7 कट गया, इस 7 से काटेंगे कितना कटेगा 20, x इंटू वाई का मान कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब कोई दो ऐसा नंबर चुनिए जिसको क्या करने पर, गुना करने पर 20 आए, तो एक और 20 दूसरा 4 और 5, एक और 20 तो ले नहीं सकते क्योंकि एक लेंगे तो 7 1 इंटू 7 7 आएगा और 7 इंटू 20 कितना रहेगा 140, जबकि नंबर 20 और 45 के बीच में, तो क्या ये वाला लेंगे, नहीं ये लेंगे 4 और 5, तो 7 × 4 कितना हो गया 28 और 7 × 5 कितना हो गया 35, दोनों का योग पूछा है कितना आएगा 63, कितना आएगा 63। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। मिटा दे, छापना की नहीं है, हम आगे चल रहे हैं, आप देख के छापना उधर से, अभी समझ लो, यहाँ पे वीडियो देख के छापना, वहां पे दोबारा देख के शो करना है, नोटबुक में लिखना है, आगे चले। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ये सारे सवाल आपके पूछे हुए एग्जाम में, क्या बोला, दो संख्याओं का मौसम लसा कितना है 15, HCF दे दिया आपको 15 और LCM दे दिया आपको 300, पहली संख्या कितना है 60, दूसरी पूछा है, नहीं निकल जाएगा, LCM इंटू HCF अपॉन में कौन आ जाएगा दूसरी संख्या, पहली दिया तो दूसरी पूछो ना, LCM कितना है 300 × 15 अपॉन में कितना आ गया 60, 6 × 300, 15 × 75, क्या गया 75। ठीक है, पीडीएफ में भी आपके क्वेश्चन होंगे ये वाले। दो संख्याओं का मौसम 23 है, दो गुणनखंड दे दिया आपको 13 और 14, तो उनमें से बड़ी संख्या बताएं, नहीं बता दोगे, बता दोगे, बताइए जरा क्या होगा, ऐसा भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, डी 322, बहुत बढ़िया, HCF कितना है, HCF कितना है 23, तो दो नंबर कितना कितना हो जाएगा 23x और 23y, और इन्होंने एक्स वाई का मान कितना दे दिया है, एक्स मान दिया है 13 और वाई का मान दिया है 14, ये नंबर हो जाएगा 23 × 13 और नंबर हो जाएगा 23 × 14, बड़ा पूछा है तो 14 वाला होगा, 42 × 2 28 × 4 32 322। बस शुरू कर देंगे दूसरा चैप्टर, कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे, अभी आगे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, दो मिनट रुक जाओ, इसको देखिए सवाल को, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचे, मतलब कोई शेष नहीं बचे, परंतु 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। कल ऐसा सवाल किए थे ना हम पहले, ठीक है, क्या करेंगे, सबका LCM निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है से, तो क्या निकालेंगे LCM,
सबसे पहले 4, 6, 8, 9 का क्या निकालिए, एलसीएम कितना आया, 72, 72। अब से एलसीएम कितना आ गया, 72। अच्छा यहां भी एलसीएम भी कितना, एलसीएम भी 72 आएगा। इन सबसे भाग देने पर कितना आ रहा है, देखना है कि क्या इसको 13 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 7 बच रहा है। 13 × 5 = 65 और 7 = 72, मतलब यही 7 × 72 क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो फिर दोगुना करते इसका, दिखाए थे ना कि 3 गुना करते, 4 गुना करते, तब तक करते जब तक आपको 7 नहीं मिल जाता। मतलब फिर देखते कि वो नंबर ढूंढते जिससे डिवाइड करने पर 7 से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल इसका है, 10,000 के निकटवर्ती निकटतम वो कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। निकालो जरा, ऐसा सवाल किए थे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, अरे एलसीएम लेके आएगा उसको 10,000 में भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचे उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, करो जाने का लगभग इसको बराबर। एलसीएम कितना आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आएगा, 120 नहीं, 120 सात से नहीं कटेगा, तीन चार पांच छ सात आठ भी है, कितना आया 840। एलसीएम आया आपका 840। अब 840 से क्या करेंगे, कितना भाग देंगे, 10,000 में भाग देंगे, पहले एक बार लगाएंगे 840, कितना बचेगा 160, जीरो ये लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, एक बार में और लगाएंगे 840, कितना बचेगा 760, कितना बचेगा 760, यानी ये 760 जो आपका एक्स्ट्रा है, 10,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो 10,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे 760 तो कितना बचेगा, 0, 4, ठीक है 0, 4 और 2, 9240, ऑप्शन नंबर ए 9240। कुछ और सवाल है, बहुत अच्छे, उसको भी निकालता हूँ एक साथ। इसमें निकटवर्ती पूछा है तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि निकटवर्ती मतलब पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है ना, सब समझ रहे बात को। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 12 के निकटतम सुनना वाला कौन सा अंक है, तो 10 पहले भी हो सकता है, 19 के निकटतम 20, उसी तरीके से अब अगर इसको हम दो बार में लगाते हैं कितना आएगा 1680, यानी कितना कम पड़ रहा है, 80 कम पड़ रहा है ना जी, 80 कम पड़ रहा है, इसमें 80 जोड़ दो, 10,000 में कितना जोड़ दो 80, कितना हो गया 10,080। अब पहला का कितना हो रहा था 9240, दोनों में निकटतम कौन है, ये वाला है ना पहले के अकॉर्डिंग, अरे ये इसके निकटतम ये है कि ये है, वो है, तो वाला आपका आंसर होगा। समझ में आया। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, देखो जरा सवाल जरा देखिए।
सवाल क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 2014 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। मतलब इस सबसे भाग देंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो क्या करेंगे इन सब का क्या निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम, और 2014 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। भाग देने वाला जो रिमाइंडर बचेगा हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर में कितना और जोड़े, कितना और जोड़े कि पूरा पूरा कट जाए। नहीं समझ में आया, पहले क्या निकालिए 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60। हाँ अच्छा, 60 से डिवाइड करो किसको 2014 को, कितना हो गया 6, 3, 18, 180, कितना बचा यहाँ पे 21, और फिर से 30, फिर से 30, ठीक है मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते हैं। कितना आया 180, कितना बचेगा 4, 34। देखो 34 शेष बच गया, अब 34 में कितना और जोड़े कि 60 से कट जाएगा, 34 में कितना और जोड़े कि 60 से कट जाएगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 26। तो हमारा जुड़ी कितना हो जाएगा 60, और 60 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। 34 रिमाइंडर अब हुआ, अगर ये कम होता समझ रही, हाँ 26 होता रिमाइंडर, तो अगर 26 रिमाइंडर होता तब हो जाता। बोला कितना और जोड़े तो कितना और जोड़ेंगे 26, कितना घटाया जाए तो क्या होता 34, कितना घटाया तो क्या होता 34। बात समझ में आया, ठीक है चलिए अगले सवाल पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर छाप लिया, छापने में माहिर होना चाहिए जी, बाद के नहीं दिखाता है, दिख रहा है अगर वो बोलता कि घटाई जाए तो क्या आंसर होता 34, जोड़ी जाए तो क्या होगा 26, क्योंकि 26 कम पड़ गया, अगर 26 और होता तो जुड़ के 60 हो जाता और कट जाता, नहीं कट जाता। अगर पूछता कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए तो 34 अगर घटा देंगे इसमें से तो पूरा पूरा कट जाएगा, यही 34 एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं समझे, तो उसमें फिर 34 आंसर होता। इसमें दो सवाल हैं, एक है वह छोटी से छोटी संख्या क्या, अच्छा ये तो वही सवाल है, नीचे वाला देखो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फिर, है ना अब ठीक दिख रहा होगा। तीन व्यक्ति समान स्थान से एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों का माप क्रमतः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है, प्रत्येक को न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी होगी ताकि सभी दूरी को पूरे कदमों के साथ पूरा करें, क्या निकालेंगे। हमने आपको सिखाया था जब भी ऐसा सवाल आए, तीन ट्रैफिक सिग्नल, तीन घोड़े, तीन आदमी, तीन लड़के, एक साथ शुरू कितना किया एक साथ, है ना एक साथ, और फिर कब मिले एक साथ दूरी को ताकि एक साथ फिर से पूरा कर सके, ठीक है। तो जब एक साथ की केस आएगी ऐसे केस में क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 63, 70 और 77 का क्या निकालेंगे एलसीएम, निकालो वो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा निकालो जरा, जो एलसीएम आएगा वही यहाँ पर क्या होगा आंसर। शायद इसका सी आंसर होना चाहिए, ये है सी है ना, कितना आया 636930, इसका एलसीएम आया और ये सी वाला आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। ये आपको राकेश यादव के बुक का एडवांस लेवल का थोड़ा सा है, एडवांस लेवल ऐसा है सोचो कितना आसान है ये। अगला देखो बुआ,
सवाल कहता है तीन प्लॉट जिसके क्षेत्रफल आपको दे दिए 130, 200 और 220 वर्ग मीटर हैं, इनको समान सब्जियों की क्यारियों में विभाजित करना है। ठीक है, यदि एक क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर है तो क्यारी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? नहीं समझ में आया? जैसे तीन वो खेत है, तीन खेत है, तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका 130 है, इसका 200 है और इसका 220 है। इनको क्यारी में से, क्यारी से बोलते हैं ना, लंबा लंबा जो होता है जिसमें सब्जी उगाते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे क्यारियों में बनाना है जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो पूछा जाए कि लंबाई कितना रखा जाना चाहिए, है ना, लंबाई कितना रखा जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सबसे पहले में से क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे? HCF। HCF से हमें क्या पता चलेगा, एक क्यारी की मैक्सिमम साइज कितनी होगी, मैक्सिमम साइज यानी एक क्यारी की क्षेत्रफल कितना होगा। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई पता है डिवाइड करने में लंबाई निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इन तीनों का पहले क्या निकालेंगे, HCF किसका, 130, 200, 220। HCF निकालने का आसान तरीका क्या हो सकता है, इन दोनों का क्या निकालो, अंतर कितना आया 70, इन दोनों का अंतर कितना है 20। अब इन दोनों का निकाल दो HCF, क्या निकाल दो HCF, 70 और 20 का HCF निकाल दो, कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। ठीक है, अब HCF आपका आ गया 10, ये 10 क्षेत्रफल किसमें, वर्ग मीटर, HCF भी किसमें आएगा वर्ग मीटर। और ये क्षेत्रफल आया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आया 10, यानी एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया 10, जिसमें लंबाई पूछा गया है, चौड़ाई दिया है 2, काट देंगे कितना आएगा 5, लंबाई कितना गया 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कुछ? अभी यहां समझिए, घर पे इसको दोबारा बनाना है, वीडियो देख के, वीडियो पॉज करके, अगर आप वहां पे भूल जाएंगे तब वहां पे सॉल्यूशन देखना है, बात समझे, क्योंकि इससे आपका डबल फायदा होगा, साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, और अभी आपने बड़ा दिमाग पे बैठा है कि नहीं बैठा है वो आप चेक भी कर लोगे। अभी जाना है काम, अभी कभी घर पे करना जा करके, सारे लोग, एक कमरा जिसकी लंबाई 18 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, इसके फर्श पर बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो एकदम, 5 स्टार लगा लो बुआ, सीजीएल वाले एकदम ध्यान से लगा लो। एक कमरा जिसकी लंबाई कितना दे दिया है 18 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर, इसके फर्श पर क्या लगाना है, टाइल्स, क्या लगाना है, पत्थर मतलब तो टाइल्स, तो कितनी टाइल्स की जरूरत होगी जिससे फर्श पूरा ढक ले, समझे। जैसे अगर इसका फोटो बनाए हम, तो जैसा फोटो बनेगा आपको, यह आपकी लंबाई कितना है 18, चौड़ाई थोड़ा कम कर दो, लंबाई ज्यादा हो गया, लंबाई 18, चौड़ाई 15। अब इस पर टाइल्स लगा रहे हैं, तो टाइल्स कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा टाइल्स कहाँ देखे हो जी, ये टाइल्स होता है, ऐसा ऐसा टाइल्स होता है, ऐसा ना होता है, वर्गाकार, कैसा होता है, वर्गाकार टाइल्स होते हैं। तो पूछा है कितने टाइल्स हैं, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, हमें HCF से ये पता चलेगा कि एक टाइल्स का मेजरमेंट क्या है, एक टाइल्स की मेजरमेंट क्या है। अच्छा, एक टाइल्स का मेजरमेंट निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और टाइल्स का क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो टाइलों की संख्या याद है 814 वाला, याद है, ऐसे नहीं किए थे, ये आ गया, वाह बहुत बढ़िया। तो पहले क्या निकालेंगे, HCF किसका,
18 और 15 का कितना है एचसीएफ, 3। एचसीएफ आ गया 3, मतलब एक टाइल से जिसकी लंबाई 3 मीटर चौड़ाई भी 3 मीटर। तो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या तब होगा, रूम का क्षेत्रफल यानी कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया 15 × 18, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 × 3, इन होता है वर्गाकार तो है ना, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, कितने टाइल्स लगेंगे 30 टाइल्स लगेंगे। वर्गाकार है हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा × भुजा, 3 × 3 भुजा का स्क्वायर। अरे ये टाइल्स है, 3 इधर 3 इधर, क्षेत्रफल कितना होगा 3 × 3 नहीं होगा, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, इसका होता है ना भुजा × भुजा, ये वर्गाकार है। कैसा ये, हाँ स्क्वायर शेप में, ठीक है ये ऐसा। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नंबर क्या था, सॉरी एलसीएम एचसीएफ से। अब इससे ज्यादा आपका हार्ड सवाल नहीं आएंगे, है भी नहीं, क्योंकि जो भी राकेश यादव का आपका क्या नाम है सीजीएल टायर 2 लेवल तक का सवाल था उसको हमने किया। अब हम कल पढ़ेंगे इसी का अगला टॉपिक जिसका नाम है क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, और एक क्लास में खत्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा समझाएंगे फटाफट, क्वेश्चंस रेडी रहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब जब लिखते हैं ना तब देर लगता है, जब नहीं लिखते हैं तो देर नहीं लगता है, वही सवाल है कल वाला। अभी वीडियो बनने के बाद, बंद होने के बाद बताते हैं तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, हम लोग कल 25-30 सवाल एक बार देख लेंगे, बताते जाएंगे, फिर घर पे जाके सबको उसको क्वेश्चंस को लिख लेना, पीडीएफ आपको ऑलरेडी पहले भेज दिया करेंगे। बस समझ में आया, ठीक है, तो कल फिर हम इसके आगे करेंगे।